हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी S1। आज हम देखेंगे चावार फोर्ट के बारे में। एसओ चावार फोर्ट जो अभी रिसेंट डिस्कशन हुआ है, वहाँ पे क्या आउटकम निकला है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चावार फोर्ट का जो लोकेशन है मैप में है, सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान जो है अभी रिसेंटली इनका मेट हुए। ओके, मीट करके वहाँ पे डिस्कशन किया गया। सो वहाँ पे क्या है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चावार फोर्ट इन ईरान। सो ये सेकेंड मीटिंग था जो कि फॉलो अप कमिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्राइलेटरल चावार एग्रीमेंट, जो कि किसके किसके अंदर है ना, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान के बीच में है। ओके, सो आउटकम ऑफ द मीट, अभी जो मीट हुआ था आउटकम क्या निकला, वहाँ पे ना थ्री कंट्रीज जो है डिसाइडेड किए कि ये ओपन करेंगे जो मरमा गाँव है एंड न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है एडिशन ऑफ द JNPT। तो पहले तो JNPT था ओनली, ठीक है, उसके साथ जो JNPT जो पोर्ट था, ठीक है, वहीं पे ही आता था ईरान से, जो चाबहार पोर्ट से। बट अभी क्या है, मरमा गांव, न्यू मैंगलोर और ठीक है मुंड्रा, कंटला, कोचिन, ये क्या है ना डेजिग्नेटेड रूट अंडर द चाबहार एग्रीमेंट। ठीक है, सो इट वॉज एग्री टू फाइनलाइज के प्रोटोकॉल टू द हार्मोनाइज ट्रांजिट रोड्स, ठीक है, कस्टम्स, देन कंसुलर मैटर्स, जो कि ये तीर कन्वेंशन में है, ये इट विल बी कंटिन्यू कार्गो मूवमेंट। सो बैकग्राउंड देखेंगे तो ये चाबहार पोर्ट जो है, जो इसका मार्क है, ये कंडक्टेड किया है बाय द पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड कंपनी, जो कि वेर इज चाबहार पोर्ट, ये एक्चुअली गल्फ ऑफ ओमान में है। ओके, लोकेटेड इन गल्फ ऑफ ओमान एंड इज ओनली द ओशिनिक पोर्ट ऑफ द कंट्री। वाई द चाबहार पोर्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडिया कैन बाईपास द पाकिस्तान, सो इसके लिए ये चाबहार पोर्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए ना, ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स टू अफगानिस्तान, इट विल बी द बूस्ट, क्या करेगा इंडिया का एक्सेस टू द ईरान में है। ओके, सो द की गेटवे टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है थ्रू द सी, रेल, रोड्स, ओके, बिटवीन द इंडिया, रशिया, ईरान, ओके, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया यहाँ पे। और क्या है ना, इट विल ऑल्सो हेल्प टू इंडिया काउंटर द चाइनीज प्रेजेंस इन अरेबियन सी। ठीक है, क्योंकि चाइना इज ट्राइंग टू एंश्योर हेल्पिंग द पाकिस्तान डेवलप द गदर पोर्ट। ठीक है, सो चाइना अभी क्या है ना, गदर पोर्ट को जो पाकिस्तान भी हेल्प करके गदर पोर्ट को डेवलप कर रहा है, तो वहाँ पे काउंटर करने के लिए ये जो है चाबहार पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। गदर पोर्ट जो है ये लेस देन 400 किलोमीटर फ्रॉम द चाबहार बाय द रोड एंड 100 किलोमीटर बाय द सी। चाबहार पोर्ट जो है ये डेवलप्ड है एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिया है। ईरान जो है ऑल्सो बिकम्स ए मिलिटरी अलाइज टू इंडिया है। चाबहार वुड ऑल्सो यूज एज इन केस ऑफ चाइना डिसाइडेड टू फ्लिक्स इट नेवी मसल, ओके, बाय द स्टेशनिंग शिप इन गदर पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना जो गदर पोर्ट में कुछ यहाँ पे उसका जो शिप रखेगा, तो फिर हमारा इंडिया जो है तो ये जो चाबहार पोर्ट है वहाँ पे भी यूटिलाइज करेगा। ठीक है, ट्रेड बेनिफिट क्या है, विथ चाबहार पोर्ट जब से हुआ है तब से फंक्शनल हुआ है तब से क्या है ना, सिग्निफिकेंट बूस्ट हुआ है, इम्पोर्ट ऑफ आयरन आया है, ठीक है, आयरन और शुगर राइस टू इंडिया। ठीक है, द इम्पोर्ट कॉस्ट ऑफ द ऑयल टू इंडिया विल ऑल्सो द सी कंसिडरेबल डिक्लाइन हुआ है। इंडिया हैज ऑल्सो द ऑलरेडी इंक्रीज इन क्रूड परचेज फ्रॉम द ईरान सिंस द वेस्ट इम्पोज बैन ऑन ईरान वॉज लिफ्टेड। ठीक है, फ्रॉम ए डिप्लोमेटिक परस्पेक्टिव से देखेंगे तो चाबहार पोर्ट जो है कुड बी यूज एज ए पॉइंट फ्रॉम द वेयर द ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कुड बी कोऑर्डिनेटेड। So that's all. Thank you.